तो आईपीएल 2021 का ऑक्शन इस बार काफी इंटरेस्टिंग काफी जबरदस्त होने वाला जो कि इस बार आईपीएल 2021 का मिनी ऑक्शन 18 फरवरी 2021 को चेन्नई में होने वाला है। शाम को 3 बजे से इस बार आईपीएल की नीलामी शुरू हो जाएगी और अब यहां पर फाइनली बीसीसीआई ने 5 बड़े नए नियम लागू कर दिए हैं आईपीएल 2021 की नीलामी में, जो कि पहली बार इस बार आईपीएल 2021 के ऑक्शन में लागू होने वाले या फिर नियम में बदलाव किए हैं। तो पूरी विस्तार से इन 5 बड़े नियम के बारे में आपको बताने वाले इस वीडियो में जो आईपीएल 2021 किसके ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को लाइक और फॉलो कर ले। सभी पेजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पर ही मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इंडियन प्रीमियर लीग के 14 संस्करण यानी कि आईपीएल 2021 से पहले होने वाला है आईपीएल 2021 का ऑक्शन इस बार मिनी ऑक्शन होने वाला है, जो कि यह मिनी ऑक्शन 18 फरवरी 2021 को चेन्नई में होगा। शाम को 3 बजे से यह नीलामी शुरू होने वाली है। बीसीसीआई ने 5 नए नियम लागू किए हैं या फिर आप कह सकते हैं कि 5 नियमों में बदलाव किए हैं। तो पहला नया नियम लागू किया है बीसीसीआई ने मार्की प्लेयर को लेकर, जो कि इस बार आईपीएल 2021 के ऑक्शन में मार्की प्लेयर यानी कि बड़े खिलाड़ियों पर 3-3 बार बोली लगने वाली है। पहली बार जब आईपीएल का ऑक्शन शुरू होगा शाम को 3 बजे से, दूसरी बार बोली लगेगी, दूसरी बार नाम लिया जाएगा डिनर के जस्ट बाद और तीसरी बार आईपीएल 2021 का ऑक्शन खत्म होने से जस्ट पहले। तो इन मार्की प्लेयर यानी कि बड़े खिलाड़ियों का नाम 3-3 बार लिया जाएगा, इन पर 3-3 बार बोली लगने वाली है आईपीएल के ऑक्शन में। ऐसे में कन्फर्म है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं मार्की प्लेयर हैं ये डेफिनेटली बिकने वाले हैं। अगर पहली बार में नहीं बिकते हैं तो दूसरी बार में बिक जाएंगे, अगर दूसरी बार में भी नहीं बिकते हैं तो तीसरी बार तो 100% कंफर्म है कि बिक ही जाएंगे। जैसा कि नाम स्टीवन स्मिथ का, ग्लेन मैक्सवेल का है और भी कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। हालांकि जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं या फिर छोटे खिलाड़ी उनका नाम 3 बार नहीं लिया जाएगा, उनका नाम मात्र 2 ही बार लिया जाएगा, एक जब शुरू होगा आईपीएल का ऑक्शन और एक जब खत्म होने के टाइम होगा। तो वहीं दूसरे नियम में बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव किया है। दरअसल हर बार आईपीएल के ऑक्शन से जस्ट पहले बीसीसीआई सभी आईपीएल की फ्रेंचाइजियों के पर्स बैलेंस बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, जिससे वो खिलाड़ी को खरीद सके, अपना पूरा कंप्लीट टीम स्क्वाड बना सके। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने फैसला लिया कि सभी टीमों के पर्स बैलेंस नहीं बढ़ाया जाएगा, जिस टीम के पास जितने भी पैसे बचे हैं उन्हीं में से उन्हें खिलाड़ी को खरीदकर अपना टीम स्क्वाड तैयार करना होगा। तो ऐसे में खिलाड़ी को खरीदने के लिए आईपीएल 2021 के ऑक्शन में सीएसके के पास 19.90 करोड़ रुपए हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पास 13.30 करोड़ रुपए, तो वहीं पंजाब के पास सबसे ज्यादा 53.20 करोड़ रुपए हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 10.75 करोड़ रुपए हैं, तो वहीं मुंबई इंडियंस के पास आईपीएल की नीलामी में टोटल 15.35 करोड़ रुपए हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स के पास 37.85 करोड़ रुपए, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास 35.50 करोड़ रुपए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के पास 10.75 करोड़ रुपए हैं आईपीएल 2021 के ऑक्शन में। तो इस बार इनके पर्स बैलेंस को नहीं बढ़ाया जाएगा, इन्हीं पैसों में इन्हें अपना पूरा कंप्लीट टीम स्क्वाड तैयार करना होगा खिलाड़ियों को खरीदकर आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन से। अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तो तीसरा नियम है बिडिंग वार को लेकर। दरअसल इस बार आईपीएल 2021 के ऑक्शन में कई सारे ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन पर लगभग सभी टीम बोली लगाने वाली है, सभी टीम उनके पीछे जाने वाली है उसे खरीद कर टीम में शामिल करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर नाम स्टीवन स्मिथ का है, अगर स्टीवन स्मिथ का नाम आता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो टीम बोली लगाएगी वही टीम बिडिंग में शामिल होने वाली है। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बिडिंग करती है, बोली लगाती है, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, जबकि नंबर 3 पर केकेआर की टीम, तो यहाँ पर सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की टीम को बिडिंग करने का मौका मिलेगा। शुरुआती 2 टीमों को ही मौका मिलने वाला है। जब तक एक टीम हार नहीं मान लेती है तब तक तीसरी टीम को एंट्री नहीं मिलेगी इस बिडिंग वार में। बात करते हैं चौथे नियम के बारे में। तो चौथा नियम है टीम स्क्वाड को लेकर, जहां पर बीसीसीआई ने कंपलसरी कर दिया सभी 8 टीमों के लिए किस बार आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में सभी 8 टीमों को जो अपना टीम स्क्वाड तैयार करना है वो कम से कम मिनिमम 18 खिलाड़ियों का टीम स्क्वाड होना चाहिए और मैक्सिमम 25 खिलाड़ियों का टीम स्क्वाड होना चाहिए। और अगर इस बार आईपीएल के ऑक्शन में कोई भी टीम अपना टीम स्क्वाड 18 खिलाड़ियों को नहीं बना पाती है, उससे कम ही बना पाती है पैसों की वजह से या फिर किसी और की वजह से, तो उस टीम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आईपीएल 2021 से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी टीमों के लिए जरूरी हो गया कि वो अपने पैसों के हिसाब से अपना टीम स्क्वाड तैयार करें, उन्हें एडजस्ट करना होगा। अब बात करते हैं 5वें नियम के बारे में। तो 5वां नियम है आरटीएम, जहां पर हर बार जब भी आईपीएल में मेगा ऑक्शन होता है तो सभी टीमों के पास आरटीएम कार्ड होता है, जिससे वो अपने पुराने खिलाड़ियों पर आरटीएम कार्ड इस्तेमाल करके दोबारा अपनी टीम में शामिल कर लेती हैं। लेकिन चूंकि इस बार मेगा ऑक्शन नहीं बल्कि मिनी ऑक्शन होने वाला है, तो किसी भी टीम के पास आरटीएम कार्ड नहीं होने वाला है। तो गाइस ये 5 नियम आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन को लेकर फिलहाल इस वीडियो में। बस उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।